देख रहे हैं टोटल न्यूज़ आपके साथ, मैं हूं सौरभ जौहरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर शहर की प्रगति को नई दिशा देने के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने आज जोधपुर शहर के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से किया। सीएम व्यक्तिगत रूप से नहीं आ पाए, कार्यक्रम वर्चुअली किया गया। इसके लिए शहर में अलग अलग स्थानों पर स्क्रीन लगाकर लाइव प्रदर्शन किया गया। जोधपुर विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग और समसा के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। साथ ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी उन्होंने किया। कि आज ये मौका है कि जब मैं खुद बहुत व्यथित हूं कि मैं आपके बीच में नहीं हूं और आपको मैं वहां बैठे यहां बैठ करके संबोधित कर रहा हूं, और आप निश्चिंत रहो, जो कुछ भी जो शिलान्यास हुए हैं, मैं चाहूंगा जिला प्रशासन को, तमाम विभागों को, इसकी मॉनिटरिंग में जब अगली बार आऊंगा तो मैं एक मीटिंग ले लूंगा। पहले मैंने कहा था कि माधव गुप्ता जी को कि सड़कों की स्थिति क्या है, उसके लिए मैं एक मीटिंग करना चाहता हूँ। जोधपुर शहर की सड़कों की स्थिति क्या है, मैं चाहूंगा कि इस बार मैं आऊं तो ये जो आज आपने मुझसे शिलान्यास करवा दिए हैं, इसकी प्रोग्रेस क्या है वो देखूं। कम से कम काम तो शुरू हो, खाली शिलान्यास से क्या मतलब हुआ। ये काम तो चाहे किसान वर्ग हो, अलग बजट पेश किया उनके लिए, अभी जो हमने 10 महंगाई राहत शिविरों में घोषणा की है, गारंटी कार्ड दिए हैं। तो मैं अंत में कहना चाहूंगा, 1,93,00,000 परिवार राजस्थान में हैं, उनमें लगभग 1,65,00,000 परिवार जुड़ चुके हैं, उससे आ चुके हैं कैंपों में, 1,80,00,000 1,80,00,000 हो गया।